मैं आपके लिए खाने के लिए ले चला हूँ। पनीर भुर्जी नहीं दाल। आप रोज पनीर भुर्जी खाओगे तो बोर हो जाओगे। ये छोटू जा मस्त आउटफिट लग रही है आज की। सिस्टम बैड न्यूज भी है सभी लोगों के लिए। मैं और खुशी लाइफ में फर्स्ट टाइम 72 आवर्स प्लग रहने वाले हैं। बहुत कैसे रहेंगे, क्या सब चीजें होने वाली है, उसके लिए बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट होगा, मेंटली मुझे प्रिपेयर होना पड़ेगा इस चीज के लिए। बिग बॉस का विनर अनाउंस हो चुका है। टॉप 2 बंदे थे ना भाई, मतलब उन्होंने पूरी शो में जान लगा दी थी। ट्रॉफी अपने घर चाहिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। सो मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही है, पर ज़्यादा उठ चुका है तो ये मुझे सोने नहीं दे रहा। जब कुछ कह रहा है, आपको नींद नहीं आ रही क्यों? और आप तो मुझे आ रही है। मैं आपके लिए खाने के लिए ले चला हूँ ना। बाय बाय। ठीक है राजा, आप जिस दिन से आए हो सिर्फ पनीर भुर्जी खा रहे हो, आज मैंने आपके लिए दाल बनवाई है। ठीक है पनीर नहीं दाल। दाल क्यों नहीं? वो अच्छी नहीं लगती। आप रोज पनीर भुर्जी खाओगे तो बोर हो जाओगे। अभी मैंने सोचा पुराना दाल लेने वाले ये अच्छा से बड़ा ने बोला वो थोड़ी शोरे गए थे नेल कटर लेने के लिए, एक बड़े वाला लाया हमारे लिए, एक राजा के लिए लाया छोटू सा। ये रहा छोटू जा। अभी मैं कट करूंगा आपके नेल्स, ठीक है? गंदे हो रहे हैं नेल्स बहुत। ठीक है पहले डैड अपने नेल कट कर ले। गाइस अभी मेरा ये हाथ टूटा है छोटू सा। नेल कटर आ गया छोटू सा, बहुत तेज दाल नहीं बेटा वो दूसरा हैंड दो, हो गया बस। देखो ये तो हैंड कितना सुंदर हो गया मेरे बच्चे का, देखो इतना सुंदर हैंड हो गया, अब जम्स भी नहीं आएंगे। आप उधर कार्टून देखो, काटा भी नहीं अभी तो छुट्टे। वेलकम बेटा। तो गाइस इसके नेल हो चुके हैं कट, छोटू सा नेल कटर देख के कटा लिया, अदरवाइज कटाता ही ना बिल्कुल। देखो इसको क्या आदत है, ये जब भी कोई बैठ रहा है तो इसके ऊपर चढ़ के बैठ जाता है। देखो कंधे पे चढ़ जाएगा, गर्दन पे बैठ जाएगा जाके। यहाँ पे चल रहा शूट। देखो खुशी कैसी लग रही है आज। खुशी ये क्या था, ये खड़े आप कितने बुरी तरीके से, उससे बुरी खड़ी होके दिखाना। मस्त आउटफिट लग रही है आज की। सो गाइस राजा उस दिन से पनीर भुर्जी खा रहा है, इसलिए मैंने इसकी दाल बनाई, बट इसको अच्छी लगी। कैसी लगी दाल? गजब। गाइस मेरे कुछ दिनों से राइट आईज में पेन हो रहा है, तो आज ही मुझे पता चला वो क्यों हो रहा है। क्योंकि 2-3 ना हमारे नॉन में जैसे कि आयुष भैया सबको यही सेम हो रहा है कि उनका फीवर हुआ है, फिर उनका राइट साइड में दर्द हो रहा है, राइट ही गला दुख रहा है इस तरफ से, राइट आई में पेन हो रहा है, मेरे साथ भी सेम हो रहा है। तो मुझे ऐसा है कि इम्यूनिटी कम ना हो जाए इसलिए मैं साथ में मेडिसिन भी ले रही हूँ, चश्मा लगा के रखा है क्योंकि आँख में पानी आ रहा है, और इंडियन के साथ चश्मा लगा के बैठी हूँ। और आज मैं शूट कर रही थी इसलिए मैंने ये वाला सूट पहना था, जो कि आप लोगों ने वीडियो मेरे इंस्टाग्राम पर देख भी ली होगी, हमने राजा के साथ वीडियो शूट करी है। तो मैं ले रही हूँ अपनी मल्टीविटामिन्स और फिश ऑयल। आप लोगों को पता होगा कि मैं एग खा लेती थी, चिकन खा लेती थी जब पंजाब में थी, तो जब मेरी शादी हुई मैंने चिकन छोड़ दिया, अब मैंने बिल्कुल नॉनवेज छोड़ दिया, एग तक भी छोड़ दिया है, बट ये फिश ऑयल मेडिसिन में है तो ये शायद ले सकते हैं। तो अभी मैं अपनी मेडिसिन लूँगी, उसके बाद दोबारा शूट करेंगे। तो गाइस अभी मैं कर रहा हूँ पैकिंग, और कहाँ निकलने वाला हूँ ये आपको बाद में पता लगेगा, लेकिन कपड़े हो गए बहुत सारे और समझ नहीं आ रहा कौन से लेके जाऊँ, मतलब क्योंकि तो एक है फैमिली में फंक्शन, मतलब बर्थडे पार्टी किसकी है वो आप लोगों को बाद में पता लगेगा। अभी बस ये है कि जल्दी से जितने भी कपड़े वॉश हुए हैं जो उनमें से लेके जाने उसको साइड करते हैं और लेके निकलते हैं। और इस बार एक बहुत ही अजीब चीज़ होने वाली है, विच इज़ कि मैं और खुशी लाइफ में फर्स्ट टाइम 72 आवर्स प्लग रहने वाले हैं, 72 घंटे, मतलब 3 दिन, और समझ नहीं आ रहा लिटरली कि कैसे रहेंगे, क्या सब चीज़ें होने वाली है। ऊपर से भाई साथ में, मतलब राजा साथ में खुशी के, तो उसके लिए बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। तो बस यही है कि मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट होगा, मेंटली मुझे प्रिपेयर होना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। तो जल्दी से पहले पैकिंग करता हूँ, फिर इस बारे में बात करते हैं। सो गाइस यहाँ पे मेरी भी पैकिंग चल रही है क्योंकि ये लोग निकलने को बोल रहे हैं, और मेरा जो ये वाला अटैच है जिसमें मेरे और राजा कुछ कपड़े हैं वो अभी चले जाएंगे, बाकी कपड़े मैं बाद में भेज दूंगी। और दीदी लगी पड़ी हैं दाल के परांठे बनाने, क्योंकि लोगों को हम दाल के परांठे दे के भेज चुके हैं, है ना? सही है ना?
सो गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता है कि बिग बॉस का विनर अनाउंस हो चुका है, वो है एल्विश यादव। एंड मैं आप लोगों को एक सच में बात बताऊं दिल से, तो जैसे ही मैं बिग बॉस देख रहा हूं, मतलब सीजन 7 से मैं लगातार बिग बॉस देख रहा हूं, और आप लोगों को ये बात भी पता होगा कि पहली बार ये चेन ब्रेक हुई है जिसमें कि कोई वाइल्ड कार्ड विनर बना है, और वो डिजर्विंग भी था बिकॉज इट्स डिपेंड ऑन फैन फॉलोइंग, मतलब आपको बाहर से लोग कितना प्यार करते हैं वो डिपेंड करता है। क्योंकि जब एल्विश एंटर किया बिग बॉस हाउस में, आई थिंक वो 5 मिलियन था ऑन इंस्टाग्राम, और बम मतलब बम लोगों ने उसको प्यार दिया है बाहर से। उसके बाद फुकरा ने भी बहुत अच्छा गेम प्ले किया, और ट्रस्ट में आप लोगों को बताऊं कि पहली बार बिग बॉस हिस्ट्री में अकॉर्डिंग टू मी ऐसा हुआ है कि लाइक जो टॉप 2 बंदे थे ना भाई, मतलब उन्होंने पूरी शो में जान लगा दी थी। मतलब बेस्ट में अपनी तरफ से बात करूं, फुकरा, एल्विश एंड मनीषा, ये तीनों अलग ही गेम प्ले कर रहे थे। जितने भी लोग व्यूअर मेरे हिसाब से देखने आते थे, 90% व्यूअर इन्हीं का होता था, और वैसे ही वो मतलब चीजों पे खरा उतरा। लेकिन अगर मैं भाई गेम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो मतलब ट्रस्ट में मतलब फुकरा भाई ने मेरा दिल जीत लिया। ऐसे नहीं कि वो मेरा दोस्त है सिर्फ इसलिए नहीं, लेकिन मैं गेम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो भाई मजा आ गया मतलब मुझे देख के। बिकॉज एल्विश को मैं बाहर से भी जानता हूं, और एल्विश जैसा है वो एल्विश बहुत धाकड़ है, और एल्विश का लड़ने का स्टाइल भी वैसा नहीं है एल्विश ने जैसा शो में दिखाया। तो एल्विश बहुत ज़्यादा बना हुआ फील कर रहा था, लेकिन उसके बाद भी जो बाहर से एल्विश आर्मी थी उन्होंने उसको उतना प्यार दिया। और आप लोगों को पता है कि जब फुकरा आया मेरे पास, वो इसी फ्लैट पे आया था, मतलब दूसरे वाले फ्लैट पे, तो मेरी यही बात हो रही थी उसके साथ कि भाई ट्रॉफी अपने घर चाहिए, ट्रॉफी यूट्यूब कम्युनिटी को चाहिए। क्योंकि आप लोगों को पता है कि पहली बार ऐसा हुआ बिग बॉस स्ट्रीम में कोई यूट्यूबर आ रहा था, तो थैंक्स टू गॉड की जो ट्रॉफी है अपने घर आ गई है। और सो कॉल्ड जो सेलिब्रिटीज हैं उनको भी ये पता लग गया कि भाई ऐसा नहीं होता कि अगर आप टीवी पे आ रहे हो या आप मूवी कर रहे हो या एक्स वाई जेड कुछ भी आप कर रहे हो तो आप ही सेलिब्रिटी हो। लोग भाई जो जीरो से हीरो बनते हैं उसको बहुत प्यार करते हैं। सेम केस में हुआ एल्विश के, कि एल्विश ने जीरो से स्टार्ट किया था, बहुत सारे स्केच वीडियोस बने, बहुत सारे वीडियोस बने, और उसके बाद उसने चक दिया भाई ये सीजन। तो मतलब एक बिग कंग्रेचुलेशंस टू एल्विश यादव, एंड बिग कंग्रेचुलेशंस टू फुकरा, मनीषा, सब लोगों को, जितने भी लोग थे, पूजा, सबको मतलब बहुत बहुत बड़े वाला कंग्रेचुलेशंस। लेकिन जो दो लोग थे ना भाई, उन्होंने दिल जीत लिया, मतलब फुकरा ने और एल्विश ने, मतलब बैंग ऑन कर दिया उन्होंने बाहर आने के बाद ही। मतलब लोग मतलब इनका क्रेज आप लोग देख सकते हो, मतलब लोग टूट के पड़ रहे हैं इनके, तो बहुत अच्छा लगा। एंड मुझे मतलब आप मुझे लगता था कि आप लोगों को मेरा ओपिनियन चाहिए शायद, तो इसलिए मैंने ये छोटी सी क्लिप शूट करी है। और इसके बाद मतलब एक बहुत ही बैड न्यूज़ भी है सभी लोगों के लिए, जैसे मतलब लाइक फुकरा भाई वहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि स्टेज पे थे, उसके तुरंत बाद उनको हॉस्पिटल से लेके आए थे, और तुरंत बाद उनकी वीकनेस बहुत हो गई थी फुकरा के अंदर, इसलिए वो अच्छे से रिकवर नहीं हो पा रहा था। दैट्स वाई वो स्टेज से दोबारा एकदम से हॉस्पिटल चला गया। हॉस्पिटल जाने के बाद अंडर ऑब्जर्वेशन, जब तक मैं शूट कर रहा हूँ क्लिप तब तक मैं बात कर रहा हूँ, और अभी बजे हुए हैं 3 रात के, तो अभी तक भी वो फिलहाल हॉस्पिटल में, और सब ठीक है, अंडर कंट्रोल है। सो इसीलिए आप लोग बहुत सारी प्रे करो फुकरा के लिए कि जल्दी से ठीक हो जाए, उसके बाद मिले, बहुत सारी मस्ती करे और बहुत सारे इंटरव्यूज करे अपने को। एक शो से, इतने बड़े शो से निकलने के बाद आप लोगों को पता है विच इज सबसे बड़ा पार्ट, की बहुत सारे इंटरव्यूज हो, अपनी पर्सनल चीजें वो शेयर करे शो में जाने के बाद, 2 महीने वो कैसे सर्वाइव किया, कैसा उसको लगा। सो गाइज, मतलब मैं बहुत एक्साइटेड हूँ फुकरा से मिलने के लिए, हम लोग बहुत जल्दी मिलने वाले हैं। और जैसे कि आप लोगों को पता था कि हम निकलने वाले हैं बाय रोड रुड़की के लिए, तो बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है आने वाले 3 दिन, मतलब 72 घंटे आप लोगों के लिए बहुत एक्साइटिंग होने वाले। तो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, और हाँ, अगर हो पाया तो हम लोग कुछ चैलेंजेस भी करेंगे ऑन द वे कि हम लोग 72 घंटे रहेंगे गाड़ी के अंदर। सो देखते हैं अभी कैसे बनते हैं आने वाले व्लॉग्स, और आप लोग कैसे इन्जॉय करते हो। सो बाय एवरीवन, लव यू ऑल, मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ, जब तक के लिए जय श्री राम, बाय, लव यू ऑल।